इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम एक्सेल के अंदर बारकोड्स क्रिएट कर सकते हैं। इसकी वर्किंग को देखते हैं। इस शीट को हमने डायनेमिक बनाया है। जब भी हम यहां पर चेंज करेंगे तो हमारा बारकोड अपने आप चेंज हो जाएगा। बात करते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। यहां पर ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा का यूज करते हुए हम बारकोड क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जिस डेटा का बारकोड हम क्रिएट करने वाले हैं उस डेटा की फॉर्मेटिंग हम एज अ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए डेटा को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फॉर्मेटिंग चेंज करने से क्या होने वाला है, मान लीजिए कि आपका कोई कोड है जो कि 0 से शुरू होता है। अब जब हम इसका बारकोड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर यह इसका प्रॉपर बारकोड क्रिएट नहीं कर पाता है। बट यहाँ पर जब हम इसकी फॉर्मेटिंग एज अ टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये 0 भी काउंट करता है और एक प्रॉपर बारकोड भी तैयार कर पाता है। अब बारकोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो कोड है इसको हम किसी दूसरे सेल के अंदर ब्रैकेट के अंदर टाइप कर लेंगे। तो अब हमारा टाइम भी बचे और हमको एक एक कोड यहाँ पर लिखना भी ना पड़े। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला का। फॉर्मूला हम यूज करेंगे इक्वल कोटेशन मार्क ब्रैकेट कोटेशन मार्क एंड का साइन लगाएंगे। अपने सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, वापस से एंड का साइन लगाएंगे, कोटेशन मार्क ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड वापस कोटेशन मार्क। अब यहां से हम फॉन्ट को चेंज कर लेंगे। फॉन्ट हम सिलेक्ट करेंगे आईडी ऑटोमेशन HC39M। इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो यहां पर ये हमारा फुली ऑटोमेटिक एंड डायनेमिक बारकोड जनरेटर तैयार हो चुका है। ये फॉन्ट आपको कहां से मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के ऊपर आप आ जाएंगे। यहां पर हम डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। अगर डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट नहीं होती है तो हम डाउनलोड नाउ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर ओपन लिंक इन न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां से इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। अब हम फाइल के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां पर ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट हेयर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। यहां पर हम इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। अब इसके अंदर जो आईडी ऑटोमेशन के नाम से ये जो फाइल है इसको हम ओपन करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम बारकोड क्रिएट करने के लिए रेडी हैं।